सपाटे हो जमाना बटना साइकिल के दबाना, आइल सपाटे हो जमाना बटना साइकिल के दबाना, कि आजमगढ़ के लोगन के बाटे कहनावा, धर्मेंद्र भैया के करब माता दानवा, आजमगढ़ के लोगन के बाटे कहनावा, धर्मेंद्र भैया के करब माता दानवा, अब की बुलावे में नया ना, अब की ओ जुमले में नया ना बटना साइकिल के दबाना, कि कहना है विकास पुरुष भैया के लिए अपने, कि भैया यही हदी है रोजी रोज गारो, मोदी दी है जुमला करी है जिंदगी बेकार हो, भैया यही हदी है रोजी रोज गारो, मोदी दी है जुमला करी है जिंदगी बेकार हो, मणिपुर की बात ना भुलाना, अरे हाथ रस की बात ना भुलाना, बटना साइकिल के दबाना, साइकिल लैपटॉप बटवाना, अरे 100 नंबर एम्बुलेंस चलाना, बटना साइकिल के दबाना। चुनावी चकल्लस चल रही थी, तमाम हम समाजवादी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और लाल रंग सिर्फ मेरे कपड़े पे नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है भैया। लेकिन 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 आज कैसा माहौल रहा? और साथ ही आपने एक, जब हम आपके वीडियो देख रहे थे इधर बगल में, तो आपने कहा कि 3 महीने योगी जी, क्या मतलब है भैया, क्या नाम है आपका? देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा जानते क्या है, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेता वन बिजनेसमैन वन लीडर बनाने की पॉलिसी है। और 75 साल बाद आरएसएस जो संघ है, जो माफी मांगने वाले लोग हैं, सुन लीजिए, जो लोग आजादी की लड़ाई में माफी मांग के कोने में बैठे हुए थे, आज अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त सुनाते हैं, उन लोगों की पॉलिसी है 75 के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और जितने लोग प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम है। ये बात तो केजरीवाल ने कही थी, आप कह रहे हैं ये बात तो सच कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल पढ़े लिखे और सुलझे हुए हैं, क्योंकि कौन नहीं पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है? नहीं, सभी लोग हैं, लेकिन केजरीवाल के पास जितनी डिग्रियां हैं और दिल्ली के करीब हैं, उनसे कान में मोदी जी बताते हैं, देखिए केजरीवाल जी हमारे साथ आ जाए, आपको आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। आजमगढ़ का क्या माहौल है? आजमगढ़ भैया हम लोग एक तरफा जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होने जा रही है। अखिलेश भैया देखिए हम लोग 1.5 लाख वोट से जीतने जा रहे थे, आज अखिलेश भैया ने रैली की, आपको बता रहे हैं डायरेक्ट 1 लाख वोट हम लोग का बढ़ा है, 2.5 लाख वोटों से हम लोग निरहुआ को अबकी बार हरा देंगे, जमानत नहीं बचेगी। अच्छा एक चीज और भी बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को भी जाना है, बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हैं, गर्मी भी लग रही है भैया, लेकिन चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है, और इसी बीच आपका वो गाना बड़ा मजा आ रहा था, शानदार गा रहे हैं, और वाकई में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी जिस तरीके से चुनावी रंग चलता है, तमाम चुनावी रंग हम लोग के ऊपर भी है, आपके भी ऊपर है, और साथ ही जनता के ऊपर भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश भैया आए थे पत्रकार महोदय भी समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में, लाल टी शर्ट पहन के आए भैया, समाजवादी तो ठीक ऑन करें, ये समाजवादी रंग है भैया, कोई बोलेगा या फाइनल कर ठीक। तो भैया ठीक, तमाम चुनावी रंग चढ़ते चढ़ते आज आजमगढ़ की धरती पे, क्योंकि ये समान आदमी की धरती है, ये वो धरती है जो हमेशा से यहाँ का हर बच्चा बच्चा अगर नेता कहा जाए तो नेता से कम नहीं है, क्योंकि बोल लेने में भाई सब माहिर हैं, और इसी बीच हम आ गए हैं आजमगढ़ में, तो आज फिर आगे चलेंगे, जनता से बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आजमगढ़ की धरती पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आते रहिए और हम लोग आपको अच्छी अच्छी बातें देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।